वो बता रही डालडा और हम लाएगी शुद्ध, वो बता रही डालडा और हम लाएगी शुद्ध। और हो गया घरवाली से इसी बात पर युद्ध, और घरवाली से युद्ध हमने संभाला डंडा, और दो बेलन पड़ गए डंडा हो गया ठंडा। अगर मिले दुर्भाग्य से भोंदू पति बेमेल, पत्नी का कर्तव्य है डाले नाक नकेल। अंधा प्रेमी अकल से काम नहीं कुछ ले, प्रेम नशे में गधी भी परी दिखाई दे। आपके सामने जो मैंने ये हास्य कविता और दोहे प्रस्तुत किए हैं, ये हाथरस के महान हास्य कवि काका हाथरस जी के द्वारा रचित है। मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में हमारे काका जी को याद किया था, देखिए आप खुद देखिए। मैं कहना चाहूंगा, आज मुझे आपको काका हाथरसी की एक कविता के शब्द सुनाता हूँ, काका हाथरसी के कविता के शब्द सुनाता हूँ। और मैं काका हाथरसी को याद करता हूँ तो कोई उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ न जोड़े, क्योंकि उनके हर चुनाव में काका हाथरसी की बात तो चलती रहती थी। काका हाथरसी ने किया था, काका हाथरसी ने कहा था, अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट, अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट। और काका हाथरसी ने आगे कहा है, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। तो आज का हमारा ब्लॉग काका हाथरसी जी के लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने काका हाथरसी के बारे में। काका हाथरसी के बारे में मैं जितना जानती हूँ उतना मैं आपके सामने दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। तो मेरे साथ लास्ट तक मेरे ब्लॉग में बने रहना, उसको बंद करना वीडियो को। 18 सितंबर 1906 में हुआ था और हाथरस में हुआ था। तो काका जी बचपन से यहीं पले बड़े हाथरस में, और उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया अपनी लाइफ में। तो हमारे काका जी का नाम प्रमुखलाल दल से काका जी ऐसे पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक नाटक में काका का रोल अदा किया था जो बहुत पसंद आया था लोगों को। तब से लोग उन्हें काका हाथरसी के नाम से पुकारने लगे थे। उन्होंने 1985 में उनको एक तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने, ज्ञानी जेल जी ने, मदम सिंह से भी सम्मानित उनको किया था। इस वजह से उन्हें बहुत सम्मान मिला और इसी बात पर वो आज तक फेमस है, आज भी जिंदा है सभी लोगों के दिल में। तो काका हाथरसी हमारे बचपन से हास्यकर्ता का भवन में विद्वान था, और उसके चलते वो हास्य कविताएँ लिखते रहते थे हर एक किसी में। जैसे उन्होंने अपने बचपन में अपने पड़ोसी बकरी के बारे में एक हास्य कविता लिख डाली, तो जैसे ही बकरी के हाथ में पड़ी वो हास्य कविता तो उनकी बहुत पिटाई भी हुई थी। उनके जन्म के 15 दिन में उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। पढ़ाई पूरी भी उन्होंने अपने ननिहाल में क्लास में पूरी की थी, और पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस आए थे। तो इसी तरीके से उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद हाथरस में लौटने के बाद में उन्होंने चाट पकौड़ी भी बेची, नौकरी भी की, चित्रकारी भी की। उनके हाथ की चित्रकारी अभी मौजूद है, लगी हुई है उनके कार्यालय में, संगीत कार्यालय में। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, दोहे लिखे, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और उनकी अंतिम इच्छा थी तो उनकी सबको ऊंट गाड़ी पे निकाला जाए, तो यही हुआ था। जब उनका सब निकाला गया था तो ऊंट गाड़ी पे ही निकाला गया था। तो मैं बहुत छोटी थी, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था उनका सब, छत पे चढ़ के देखा था मैंने। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी पूरे आपस में, और उनके शमशान में उनकी हास्य कविता का सम्मेलन भी हुआ था, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि हंसते हंसते उनको संविदा करें, कोई दुखी ना हो। जैसे में उन्हें बहुत सम्मान मिला। तो काका हाथरसी काफ़ी फेमस है, तो आज उनका संगीत कार्यालय हाथरस में मौजूद है, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वीडियो के द्वारा। और उनकी स्मृति भी यहाँ बनी हुई है हाथरस में। इसी तरीके से सबको हंसाते हुए 18 सितंबर 1995 को उनका देहांत हो गया, और हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने हाथरस को भी अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी अपनी कविताओं से, अपने दोहों से सभी लोगों में जिंदा आए हूँ। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने आज का ब्लॉग, याद करते। देखिए हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और ये रही हमारी स्कूटी।
अब हम काका जी के संगीत कार्यालय की ओर निकल रहे हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं काका जी के संगीत कार्यालय पर। ये देखिए अब पहुंच चुके, ये है उनका संगीत कार्यालय। अब अंदर चलते हैं और बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। ये काका जी के हाथ की चित्रकारी, ये उनका ऑफिस बना हुआ है संगीत कार्यालय। ये और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सारी चित्रकारी उन्हीं के हाथ की है, काका जी ने स्वयं बनाई थी हैं, जो लगी हुई है। सारा उनका ऑफिस है, ये देखिए उनकी पुस्तकें दोहे भरी पड़ी हैं और ये उनकी चित्रकारी, ये सारे ऑफिस में लगी हुई हैं जगह जगह। ये देखिए सारी चित्रकारी काका जी ने ही बनाई थी। तो ये काका हाथरसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे, ये उनका कार्यालय, ये वहाँ के मैनेजर हैं। संगीत कार्यालय काका जी ने स्थापित किया था 1935 में। अच्छा अच्छा। और ये हास्य कवि भी थे, संगीत के ज्ञाता भी थे, दूसरा चित्रकारी भी बहुत करते थे। उनके बने हुए चित्र भी हमारे यहाँ मौजूद थे। जब काका हाथरसी को देखने 18 सितंबर 1995 में उनकी डेथ हुई थी और 18 सितंबर 1906 में उनका जन्म हुआ था। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी शव यात्रा को, हाँ उनकी शव यात्रा जब हुई थी तो ऊंट गाड़ी को निकाली गई, उनकी इच्छा थी। हाँ, उनकी हृदय की इच्छा थी। और पूरा शहर बंद हुआ था, इधर उधर के लोग भी आए हुए थे, उनकी शमशान घाट पे कविता भी हुई थी। अच्छा, वहाँ भी हुआ था जी। हाँ, कवि सम्मेलन हुआ था अभी, वहाँ कक्षा 1 से लेकर PhD तक की सारी बुकें मिलती हैं। अच्छा जी। ऑल वर्ल्ड में जाती है। अच्छा अच्छा। संगीत की, हाँ, एक मंथली पत्रिका निकलती है, संगीत मासिक पत्रिका। हम्म, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी काका हाथरसी के बारे में, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दिखाना है पुस्तक, दिखाना उनकी, ये उनकी पुस्तक है, ये देखिए। हमें इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ से निकल रहे हैं, एक बार और आपको दिखाते हैं। हाथरसी इनका कार्यालय बना हुआ बहुत बड़ा, यहाँ तक अभी तक यहाँ बहुत सारी पुस्तकें काका जी की रखी हुई हैं। यादें चलो, अब हम यहाँ से निकलते हैं। अब चलते हैं स्मृति पार्क के लिए, जो काका जी की हाथरस में बनी हुई है।
अब हम पहुंचने वाले हैं काका हाथरस की समृद्धि पार्क पर और वहीं पहुंचकर आपसे करते हैं बात। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं हाथ से महर्षि काका हाथरस की स्मार्क पार्क। तो ये हाथरस में बना हुआ है, अब इसको शादी छोटी मोटी पार्टियों के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत बड़े बीच में रोड पर बना हुआ है, देखिए ये दोनों तरफ रास्ता है, मेन रोड पे बना हुआ है। ये अंदर से लॉक है, ये बाहर से लॉक लगा हुआ है, इसलिए अंदर से नहीं दिखा पा रही हूँ। चलिए मैं गेट की जाली में से दिखाती हूँ। ये देखिए सामने काका हाथरसी की प्रतिमा है और ये पार्क का स्पेस है, ये काफी बड़ा है, मैं यहाँ से पूरा दिखा नहीं सकती। चलिए यहाँ से निकलते हैं अब घर के लिए। ऊंट गाड़ी पे जो काका जी का सब निकल रहा था तो कहाँ से देखा था वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें इस रोड पे इतनी ज्यादा भीड़ थी कि खड़े होने की जगह भी नहीं थी, पूरा शहर भीड़ से भरा हुआ था और इसलिए हमने छत पर खड़े होकर देखी थी। तो वो मैं छत अभी भी है, वो मैं दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। ये देखिए गोल गेट के ऊपर जो छत जाए इसके ऊपर यहाँ खड़े होकर मैंने देखा था, मैं बहुत छोटी थी, इस गेट के ऊपर जो छत जाए ये वाला, इसके ऊपर खड़े होकर देखा था। हमारा घर भी अब आ चुका है तो काका जी की ढेर सारी यादों के साथ में इस ब्लॉग का मैं यही एंड करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइज़।